हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आप सभी का हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म कंपटीशन कमिटी में एक बार फिर से स्वागत है। मैं धीरज यादव यहाँ पे आज आप लोगों के साथ में स्टार्ट करने वाला हूँ एसएससी सीएचएसएल का सीरीज़। जी हाँ, अगर हम बात करें रीजनिंग सब्जेक्ट की तो एसएससी सीएचएसएल के तहत रीजनिंग सब्जेक्ट का ये आपका पहला क्लास होने वाला है और आई होप कि आप सभी लोग इसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो सभी लोगों को अपना अपना कॉपी पेन लेकर के बैठना है। यहाँ पर हम प्रॉपर तरीके से बिल्कुल जीरो टू हाई लेवल का, यानी कि हम बात करें किसी भी टॉपिक की या किसी भी सब्जेक्ट की, तो यहाँ पे आपको जीरो टू हाई लेवल के कंटेंट्स प्रोवाइड कराए जाने वाले हैं। साथ ही साथ कंटेंट्स जो होंगे वो आपके बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड होंगे, टॉपिक्स जो होंगे वो आपके एग्जाम से रिलेटेड टॉपिक्स होंगे। और अगर हम बात करें इसके पीडीएफ की, तो पीडीएफ आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है कि आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि आज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग। जी हाँ, यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग, और अगर हम हिंदी की बात करें तो कूट भाषा परीक्षण, ठीक है ना। तो क्वेश्चन जो भी होंगे यहाँ पे, जो भी आपके कॉन्सेप्ट होंगे, बाइलिंगुअल होने वाले हैं, तो किसी को भी यहाँ पे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल आराम से रिलैक्स मोड में, कोई हड़बड़ी नहीं है। सारे टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे कवर अप करते हुए चलेंगे, ताकि एग्जाम में अगर हम बात करें किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर से, किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर को अगर आप पढ़ रहे हैं तो उस चैप्टर से आपके एग्जाम में यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसके बाहर से नहीं होना चाहिए। यानी कि आपको सारे के सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, सारे के सारे कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, ताकि एग्जाम में आप क्वेश्चन को देखते ही विद इन टाइम, यानी कि यहाँ पे हम टाइम मैनेजमेंट की भी बात करेंगे कि कैसे आप कम से कम समय में क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर हम बात करें सबसे पहले टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की, यानी कि प्रश्नों के प्रकार की, कि किन किन प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, क्लियर। तो सबसे पहले प्रकार की अगर हम यहाँ पे बात करें तो अल्फाबेटिकल कोडिंग, यानी कि अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपके अल्फाबेट से रिलेटेड जो भी वर्ड्स बनेंगे उस पर आधारित यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोडिंग की बात करेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बेसिकली अल्फाबेटिकल कोडिंग से आप भली भांति परिचित होंगे, आगे चल के हम इस पर बेस्ट क्वेश्चंस की भी बात करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे तो न्यूमेरिकल कोडिंग, न्यूमेरिकल कोडिंग कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको कुछ अल्फाबेट्स दिए होंगे और उसका जो कोड होगा वो नंबर्स के फॉर्म में लिखा होगा, तो इस प्रकार के प्रश्नों के भी हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें तो कॉमन वर्ड कोडिंग या फिर चाइनीज कोडिंग, इस प्रकार की कोडिंग में क्या होता है, आपको सेंटेंसेस के फॉर्म में आपको यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दे दिए जाएंगे और फिर उनके कोड दे दिए जाएंगे। यानी कि आपको क्या करना होगा, अलग अलग वर्ड्स के, यानी कि अगर सेंटेंस की हम बात करें तो वाक्य में आपको अलग अलग शब्दों के लिए अलग अलग कोडों को क्या करना होता है, फाइंड आउट करना होता है, छांटना होता है, तो इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग, जी हाँ, यहाँ पे हम अगर बात करें सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग की तो बहुत सारे लोग नाम से तो नहीं, लेकिन अगर मैं प्रश्न की बात करूं तो प्रश्न से भली भांति आप परिचित होंगे, और अगर कोई यहाँ पे बिल्कुल बिगिनर है तो उसको भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार के प्रश्नों को भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें तो सेल्फ कोडिंग, सेल्फ कोडिंग में क्या होता है, आपके जो भी लेटर्स यूज करके किसी वर्ड को हम फॉर्म करते हैं तो बस उसके क्या करते हैं, पोजिशंस में यहाँ पे आपको चेंज देखने को मिलेगा, वो हो जाएगा आपका सेल्फ कोडिंग। फिर हम बात करें कंडीशनल कोडिंग की, कंडीशनल कोडिंग अगर हम देखें तो बेसिकली आपके बैंकिंग के एग्जाम में पूछे जाते हैं, जहां पे आपके गिवन जो कोड्स होंगे वो क्या होंगे, कुछ कंडीशंस के साथ आपको फॉलो करने होते हैं और उसके बाद आपको उनको उन दिए गए कंडीशंस के आधार पर क्या करना होता है, चेंज करना होता है, क्लियर। तो ये आपके यहाँ पे कोर्स से बाहर है, लेकिन जैसे कि हम टाइप्स ऑफ कोडिंग की बात कर रहे हैं तो इसे भी हम डिस्कस करते हुए चल रहे हैं, क्लियर। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें बाइनरी कोडिंग, ये भी आपसे नहीं पूछा जाएगा। अगर हम बात करें बैंकिंग के एग्जाम में तो बैंकिंग के एग्जाम में बाइनरी कोडिंग से आपको क्वेश्चंस देखने को मिले थे। अभी अगर हम रिसेंट पैटर्न की बात करें तो अभी आपको बाइनरी कोडिंग पर बेस्ड क्वेश्चन देखने को नहीं मिल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम बैंकिंग के सिलेबस की बात करेंगे तो वहां पर इस प्रकार की कोडिंग आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट वन यानी कि मिसलिनियस, कुछ अन्य प्रकार के भी यहाँ पे आपको कोडिंग देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। ये तो हो गए टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की बात। यानी कि अगर हम बात करें अल्फाबेटिकल कोडिंग की तो ये हमको क्या करना है, अल्फाबेटिकल कोडिंग हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं।
न्यूमेरिकल कोडिंग पढ़ने वाले हैं, कॉमन वर्ड या फिर हम चाइनीज कोडिंग पढ़ने वाले हैं, फिर हम बात करें सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग की, तो हम सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग को भी यहाँ पे कवरअप करते हुए चलेंगे। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे सेल्फ कोडिंग की, तो सेल्फ कोडिंग पर बेस्ड क्वेश्चन भी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, और कुछ मिसलिनियस प्रकार के प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अल्फाबेटिकल कोडिंग की, और जब हम अल्फाबेटिकल कोडिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या यहाँ पे पढ़ना होगा, हमें सबसे पहले पढ़ना होगा अल्फाबेट। अब आप कहेंगे सर कि अल्फाबेट तो हम ऑलरेडी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, हमें भी पता है कि आप अल्फाबेट बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ए से लेकर के जेड तक अल्फाबेट्स की हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, अल्फाबेट के साथ साथ हम क्या करेंगे, इस अल्फाबेट को यानी कि अगर हम बोले वर्णमाला को, यानी जो भी यहाँ पे आपको ए से लेकर जेड तक के अक्षर दिखाई देंगे उनको हम दो पार्ट्स में बांटेंगे, फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ। वहां से हम लोग अपोजिट लेटर सीखेंगे और साथ ही साथ हम लोग इनका क्या सीखने वाले हैं, प्लेस वैल्यू सीखने वाले हैं, हम लोग इनका प्लेस वैल्यू भी सीखने वाले हैं। तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण हो जाता है ताकि हम आगे चल के कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों को आसानी से हल कर सकें। तो अगर हम बात करें यहाँ पे अल्फाबेट में, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे, जैसा कि मैंने आपको कहा हम इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ए से लेकर के एम तक यहाँ पे हो गए आपके 13 लेटर्स, और फिर एम के नीचे से ही हम स्टार्ट करेंगे एन से लेकर के जेड तक, ये हो गए आपके 13 लेटर्स। अब हम बात कर लेते हैं इनके प्लेस वैल्यू की, यानी कि इनके स्थानीय मान की। स्थानीय मान की अगर हम बात करें तो ए का स्थानीय मान 1 होगा, बी का 2 होगा, सी का 3 होगा, डी का 4, इस प्रकार आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, एन का 14, ओ का 15, ठीक है ना, करते करते आप आएंगे तो जेड का आपको स्थानीय मान यहाँ पे 26 दिखाई दे रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए वर्णमाला के अक्षरों का स्थानीय मान, यानी कि इंग्लिश अल्फाबेट के जितने भी लेटर्स हैं सबका हमें स्थानीय मान पता होना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हम प्रश्नों को तेजी से हल कर सकें, कम समय में क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकें, या हम विदाउट यूजिंग पेन एंड कॉपी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें, तो हमें इनका स्थानीय मान और साथ ही साथ इनके अपोजिट लेटर्स भी पता होने चाहिए। यानी कि कहीं पे अगर आपको R लिखा हुआ दिखाई देता है तो R के साथ साथ आपको 18 भी नजर आना चाहिए, कहीं पे W दिखाई देता है तो W के साथ साथ 23 नजर आना चाहिए, P लिखा है तो 16, X लिखा है तो 24, Y लिखा है तो 25, यानी जो भी आपको लेटर लिखा हुआ दिखाई देगा उसके साथ साथ आपके दिमाग में एट अ टाइम वो पर्टिकुलर नंबर भी होना चाहिए जो कि क्या है, उस पर्टिकुलर लेटर का स्थानीय मान है। अब अगर हम इसके बाद बात करें अपोजिट लेटर्स की, तो जैसा कि यहां पे आप देख पा रहे हैं कि ए का विपरीत अक्षर आपको दिखाई दे रहा है, ए का विपरीत अक्षर आपको दिखाई दे रहा है जेड, बी का विपरीत अक्षर आपको दिखाई दे रहा है वाई, सी का विपरीत अक्षर आपको दिखाई दे रहा है एक्स। यानी कि इसी प्रकार हम बात करें तो हर एक लेटर का अपोजिट लेटर भी हमें क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। यानी कि हम बात करें के की अपोजिट की तो पी, ओ के अपोजिट की तो एल, एम के अपोजिट की तो एन, जो भी पर्टिकुलर लेटर हो उसका आपको अपोजिट लेटर याद होना चाहिए। या फिर हम सीधे तौर से पूछे या फिर हम रिवर्स में पूछे, जी का अपोजिट तो टी, टी का अपोजिट तो जी, हालांकि इसको भी हम यहाँ पे सीखने वाले हैं कुछ ट्रिक्स के माध्यम से, ठीक है ना। और अगर मैं बताऊं आपको पूरे रीजनिंग का, जो भी आपके पास यहाँ पे क्लासेस आपको मिलने वाली हैं पूरे सेशन में, मैं आपको यहाँ पे शॉर्टकट्स तो बताऊंगा ही बताऊंगा, जिसको आप ट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं, लेकिन जो मेन मोटिव होगा, जो मेन फोकस होगा, वो हमारा होगा कॉन्सेप्ट्स पे। बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व आप चुटकियों में करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं उसके ऊपर भी हम लोग, जब धीरे धीरे से क्लास आपकी कंटिन्यू होगी तो आप इन चीजों को देख पाएंगे और एनालिसिस कर पाएंगे, क्लियर। तो बेसिकली अपना फोकस होने वाला है कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, ताकि अगर आप एक बार क्लास करते हैं, एक बार आप पूरे सेशन को कंटिन्यू करते हैं, तो इसके बाद आपको फिर बार बार उन टॉपिक्स को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इस पूरे के पूरे सेशन में, इस पूरे के पूरे सेशन में मैं आपको एक सिंगल फॉर्मूला भी याद नहीं कराने जा रहा हूं, फिर वो टॉपिक कोई भी हो। कैलेंडर की हम बात करें तो कैलेंडर में हम कोई भी कोड नहीं रटने वाले हैं, ठीक है। क्लॉक की बात करें तो क्लॉक में हम कोई भी फॉर्मूला नहीं रटने वाले हैं,
क्यूब की बात करें, क्यूब में हम कोई भी फॉर्मूला नहीं रटने वाले हैं। किसी भी चैप्टर की हम बात करें तो हम लोग यहाँ पे चैप्टर्स को कॉन्सेप्ट के साथ सीखेंगे, चाहे फिर वो ऑर्डर एंड रैंकिंग हो, फिर वो चाहे आपका क्यूब हो, डाइस हो, कुछ भी हो, हम यहाँ पे कुछ भी रटने वाले नहीं हैं, ठीक है ना। चलिए अब इसको याद करने के अगर हम तरीकों की बात करें तो फिर से मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, कुछ भी अपने को रट्टा नहीं मानना है, ठीक है। हालांकि आसान बनाने के लिए हम उसका उपयोग जरूर करेंगे, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ, जब हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को बनाएंगे, एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे, एक पर्टिकुलर अप्रोच के साथ हम मूव ऑन करेंगे, तो चीज़ें धीरे धीरे अपने आप हमें क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। और रही बात अगर ट्रिक्स की, तो आप कितना भी ट्रिक्स बना लो, कितना भी आप रट लो, अगर आप रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व करते हैं, यदि आप मॉक टेस्ट को नहीं अटेम्प्ट करते हैं, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं आप चीज़ों को भूलते चले जाएंगे। और एग्जाम हॉल में बैठ के रिकॉल करने का कोशिश अगर आप करते हो, तो इन जनरल आप मिस्टेक करते हैं और कहीं ना कहीं आप सिलेक्शन से दूर होते चले जाते हैं। तो यहाँ से आपको क्या करना है, रेगुलर बेसिस पे हमारे साथ जुड़े रहना है और हमारे साथ साथ चीज़ों को सीखते हुए चलना है, प्रैक्टिस करते हुए चलना है। और जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि टेलीग्राम चैनल पे आपके पास एक डाउट कम्युनिटी के नाम से कह सकते हो कि एक माध्यम होगा, जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, क्लास में पढ़ाई गई जो भी आपकी सामग्री है या फिर जो भी आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाता है, उससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं अपोजिट लेटर्स की, तो देख सकते हैं ए की प्लेस वैल्यू यहाँ पे एक दिखाई दे रही है और जेड की प्लेस वैल्यू आपको 26 दिखाई दे रही है। और अगर हम इन दोनों के सम की बात करें तो दोनों का सम अपने को क्या दिखाई दे रहा है, 27। तो ये भी हम लोग यहाँ पे नोट करके लिखेंगे, सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ अपोजिट लेटर्स इज ऑलवेज 27। यानी कि अगर हम बात करें विपरीत अक्षरों के स्थानीय मान का योग जो है वो क्या होगा, सदैव 27 होगा। फिर चाहे हम H के अपोजिट S की बात करें, H की प्लेस वैल्यू 8, S की 19। देखोगे, जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, 27। क्लियर। तो कोई भी पर्टिकुलर आप लेटर उठाओगे, जब उसके अपोजिट लेटर उठाओगे और दोनों का स्थानीय मान आप देखोगे, उनका योग करोगे, तो आपको कितना मिलने वाला है, 27। जैसे K की बात करें तो K का अपोजिट होता है P, K की प्लेस वैल्यू 11, P की प्लेस वैल्यू 16। दोनों का अगर हम बात करें सम की, तो कितना होने वाला है, 27। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब इसको याद करने के कुछ हम तरीकों की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपोजिट लेटर्स, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूं, कुछ भी रटना नहीं है, चीजों को आसान बनाने के लिए सिर्फ यहां पे आपके सामने रखा गया है, दर्शाया गया है, तो आप इसको नोट डाउन करके रख लेंगे। जैसे कि हम बात करें ए के अपोजिट की, तो ए का अपोजिट होता है जेड, इसको हम ए टू जेड के नाम से भी याद कर सकते हैं, आजाद नाम से भी याद कर सकते हैं, जैसे आपको याद होता है, इट डजेंट मैटर कि आप कैसे याद करते हो, याद होना जरूरी है, ठीक है ना। आपको वैल्यूज क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, कैसे याद करते हो ये अलग मैटर है, लेकिन याद आपको होना चाहिए। तो ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। अगर हम बी के अपोजिट की बात करें तो बी का अपोजिट क्या होता है, वाई होता है, आप उसको बॉय से याद कर सकते हैं, ठीक है ना। सी की बात करें तो सी का अपोजिट होता है एक्स, आप उसको क्रैक्स के नाम से याद कर सकते हैं। डी की बात करें तो डी का अपोजिट होता है डब्ल्यू, आप उसको ड्यू से याद रख सकते हैं। डी के बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे एल, एल का अपोजिट होता है वी, एल सॉरी डी के बाद अगर हम बात करें तो ई, डी के बाद अगर हम बात करें तो यहां पे मिलेगा आपको ई, और ई का अपोजिट लेटर क्या होता है, वी। ई का अपोजिट लेटर क्या होता है, वी। अब इसको याद करने के लिए यहां पर आपको एक सिंगल वर्ड दिखाई दे रहा है, लव। यहाँ पे आपको एक सिंगल वर्ड दिखाई दे रहा है, लव। अब वर्ड से मुझे आपको फैमिलियर कराने की आवश्यकता नहीं है, काफी अच्छे से आप इस पर्टिकुलर वर्ड के साथ में फैमिलियर होंगे, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें यहाँ पे इस पर्टिकुलर वर्ड की, तो जैसा कि हमने कहा ई का अपोजिट होता है वी, ई का अपोजिट होता है वी, और एल का अपोजिट होता है ओ। तो यहां पर आपका एल का अपोजिट ओ भी तैयार हो गया और V का अपोजिट E भी क्या हो गया, तैयार हो गया। यानी कि आपके यहाँ पे दोनों लेटर्स के अपोजिट लेटर आपको याद होने वाले हैं। इसके बाद अगर हम बात करें F के, तो F का अपोजिट लेटर क्या होता है, U होता है। इसको हम दो तरीकों से, जैसे कि मैंने कहा, इफ यू आर एंजॉइंग द सेशन यू कैन मेमोराइज इट एज फन, ठीक है ना, एंड इफ यू आर फीलिंग बोर्ड सो यू कैन मेमोराइज इट एज उफ। जैसे भी याद करो, फन करके याद करो, बोर हो के याद करो, याद तो करना है, एग्जाम क्रैक करना है तो याद तो करना पड़ेगा।
तो यहां पे हम बात करें एफ के अपोजिट लेटर की, तो एफ का अपोजिट लेटर क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। फिर हम बात करें जी के अपोजिट लेटर की, तो जी टी रोड, जी एस टी, जैसे भी आपको इजी लगता है आप याद कर सकते हैं। एच का अपोजिट लेटर एस, हाई स्कूल, हनी सिंह, हरभजन सिंह, डिपेंड्स ऑन यू, याद करिए। आई का अपोजिट आर, इंडियन रेलवे। जे का अपोजिट क्यू, जंगल क्वीन। के का अपोजिट काजू पिस्ता, याद करो कानपुर, याद करो कमला पसंद, याद करो जैसे भी करो याद कर लो। और एल का अपोजिट ओ, तो यानी कि लव, लव में वी का अपोजिट ई और एल का अपोजिट ओ। देन आफ्टर लास्ट वन आपका एम बचता है, और एम का अपोजिट क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, यानी कि इसको हम लोग याद करेंगे मैन से। क्लियर, तो आई होप कि यहाँ पे आपको अपोजिट लेटर्स याद हो चुके होंगे। हम बात करें डी के अपोजिट लेटर की, तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा, याद कैसे रखना था, ड्यू से। एच का अपोजिट लेटर हनी सिंह, हरभजन सिंह, हाई स्कूल, जैसे भी करके आपको इन चीजों को क्या कर लेना है, याद कर लेना है। चलिए बढ़ते हैं आगे, और हम बात करेंगे यहाँ पे प्लेस वैल्यू की, कि प्लेस वैल्यू अपने को कैसे याद रखनी है। तो प्लेस वैल्यू की अगर हम बात करें, आपके स्क्रीन पे इजोटी आप लिखा हुआ देख पा रहे हैं, ये क्या है, फाइव के मल्टीपल्स में आपको यहाँ पे प्लेस वैल्यू इनकी दिखाई देगी, यानी कि पांच, दस, पंद्रह, बीस, पच्चीस। अब अगर हमने यहाँ पे इजोटी याद कर भी लिया, तो ये तो सिर्फ पांच ही लेटर हुए, बच गए आपके बीस, है ना। तो यहाँ पे बेनिफिट ये होगा कि जैसे मान लेते हैं हमने कहा यू की प्लेस वैल्यू, और इजोटी आपको याद है, टी की प्लेस वैल्यू आपको पता है कि कितनी होती है, बीस होती है। यू कब आता है, टी के जस्ट बाद, तो 20 प्लस एक कर दोगे तो 21, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये आपको हेल्प करने वाला है, स्पेशली जो बिगिनर्स हैं, जो लोग पढ़ चुके हैं, जो लोग याद कर चुके हैं, उनके साथ तो ये प्रॉब्लम अभी नहीं आ रही होगी, लेकिन जो लोग क्या कर रहे हैं, अभी बिल्कुल नया नया स्टार्ट कर रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी करना, उनको कहीं ना कहीं इन चीजों पर अभी काम करने की आवश्यकता है। फिर अगर हम यहाँ पे बात करें नेक्स्ट वन, सिफिलोरेक्स, यानी कि यहाँ पे आपको तीन तीन के मल्टीपल में लेटर्स दिए गए हैं, सी एफ आई एल ओ आर यू एक्स, ठीक है ना, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और 24। तो इस प्रकार भी आप इसकी प्लेस वैल्यू याद रख सकते हैं। बाकी हमने जैसे कहा कि कुछ भी अपने को रटना नहीं है, आप देख लीजिए, आप नोट कर लीजिए। बाकी अगर आप हमारे साथ सेशन में बने रहते हैं, कंटिन्यू करते हैं, तो बिलीव करिए कुछ भी आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ अपने आप याद हो जाने वाला है। चलिए, तो ये तो हो गई बात किसकी, अपोजिट लेटर्स की और प्लेस वैल्यू की। अब इसके बाद अपने को क्या समझना है, तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कुछ पैटर्न्स। अब पैटर्न्स का क्या मतलब है, इसको भी हम लोग यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। पैटर्न्स का मतलब क्या है, पैटर्न्स का यूज क्या है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो जैसे कि आप एक बेसिक सा यहाँ पे पैटर्न देख पा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका यूज क्या है, इसको हम लोग यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे क्वेश्चंस की, मान लेते हैं हमने कहा इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज क्लास इज रिटन एज, यानी कि किसी कूट भाषा में क्लास को लिखा जाता है एक्स ओ जेड एच एच, ठीक। तो उसी कूट भाषा में स्टडी को क्या लिखेंगे, तो उसी कूट भाषा में स्टडी को क्या लिखेंगे। तो जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हैं, तो क्लास यानी कि सी की बात करें, तो सी के सामने में आपको एक्स दिखाई दे रहा है, एल के सामने में आपको ओ दिखाई दे रहा है, यानी कि जो भी आपको यहां पे वर्ड में लेटर्स गिवन है, उनके कोड आपको उनके सामने सामने ही दिखाई दे रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा, जिसके लिए हमसे कोड पूछा जाएगा वहां पे भी हमें सामने सामने ही क्या करना होगा, उसके लिए कोड लिखना होगा। लेकिन हर बार ऐसा हो जरूरी नहीं है। जैसा कि अगला आप पैटर्न देख पा रहे हैं, अगर यानी कि हम क्या करें, इसी क्लास को अगर हम यहां पे लिखें इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज क्लास इज रिटन एज एच एच जेड ओ एक्स, तो आपको क्या करना होगा, जिसके लिए कोड पूछा जाएगा उसके लिए भी आपको इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए क्या लिखना पड़ेगा, कोड को लिखना पड़ेगा। क्लियर, चलिए तो ये हो गए कुछ पैटर्न्स। यहां पे कुछ और पैटर्न्स को भी हम लोग यहां पे ड्रॉ करने वाले हैं और समझने वाले हैं, तो इसको भी आप लोग क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। चलिए मैं इसको रिमूव कर रहा हूं।
कुछ और पैटर्न्स को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। क्लियर। तो इस प्रकार से यहाँ पे कुछ पैटर्न फॉर्म में भी आपको कोड दिए जा सकते हैं, तो इन पैटर्न्स के ऊपर भी हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अब हम बात करने वाले हैं लॉजिक्स के ऊपर कि आखिर यहाँ, जैसा कि आपने देखा मैंने क्लास के लिए जो कोड लिखा था वहां पे लॉजिक क्या था कि क्लास में जो भी आपके लेटर्स यूज हुए उसके सामने हमने क्या किया, उनके अपोजिट लेटर्स को लिख दिया। तो ये तो हो गई बात अपोजिट लेटर्स की। तो इसी प्रकार वेरियस टाइप के आपके लॉजिक्स लगते हैं, तो लॉजिक्स को भी हम लोग यहाँ पे सीखते हुए चलेंगे। क्लियर। ये चीजें आपको अभी अगर बोरिंग लग रही हैं तो बिलीव करिए जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो यही सारी बातें आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली हैं। तो पेशेंस के साथ बने रहिए, जो भी यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी बताए जा रहे हैं उसको आप लोग नोट करते चलेंगे, और जब हम बात करेंगे क्वेश्चन की तो वही सारी बातें आपको क्वेश्चन बनाने में हेल्प करने वाली है। चलिए बढ़ते हम लोग यहाँ पे आगे। सबसे पहले हम बात करेंगे अपोजिट लेटर्स की। तो अपोजिट लेटर्स आपने देखा, यानी कि जो भी आपको गिवन वर्ड होगा उस वर्ड के लेटर्स का अपोजिट लेटर आपको एज अ कोड दिया गया होगा, और फिर आपसे एक नए वर्ड के लिए कोड पूछा जाएगा, तो जो नए वर्ड में आपके अक्षर होंगे, लेटर्स होंगे, उनका भी आपको क्या करना होगा, अपोजिट लेटर एज अ आंसर निकालना होगा। क्लियर। बात कर लेते हैं हम यहाँ पे अगले लॉजिक की। अगले लॉजिक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एडिशन। अब एडिशन का क्या मतलब है इसको हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा बोर्ड, हमने लिखा इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज बोर्ड इज रिटन एज डी क्यू सी टी एफ। क्लियर। देन व्हाट विल बी द कोड फॉर व्हाइट इन द सेम कोड लैंग्वेज। यानी कि हमने कहा किसी कूट भाषा में बोर्ड को हम क्या लिखते हैं, डी क्यू सी टी एफ, तो उसी कूट भाषा में वाइट को क्या लिखेंगे। तो हम यहाँ पे अप्रोच की भी बात कर लेते हैं कि हमारा अप्रोच क्या होगा जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे। तो क्लियर। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें बोर्ड की, तो बी की प्लेस वैल्यू होती है आपकी 2, ओ की होती है 15, ए की होती है 1, आर की होती है 18 और डी की होती है 4। यहाँ पे हम D की प्लेस वैल्यू की बात करें तो 4, Q की प्लेस वैल्यू की बात करें तो 17, C की प्लेस वैल्यू की बात करें तो 3 और T की प्लेस वैल्यू की बात करें तो 20, F की प्लेस वैल्यू की बात करें तो 6। तो क्लियरली आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 से क्या हो जा रहा है, 4, यानी कि प्लस 2। 15 से यहाँ पे आप देख पा रहे हो जा रहा है क्या, 17, यानी कि अगेन क्या, प्लस 2। 1 से हो जा रहा है 3, तो अगेन आपको देखने को मिल रहा है प्लस 2। और 18 से हो जा रहा है 20, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं प्लस 2। इन द सेम वे 4 से हो जा रहा है 6, तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है प्लस 2। क्लियर। तो यानी कहने का मतलब ये है कि जो भी आपको गिवन लेटर्स होंगे वहां पे हम ऐड करके, यानी कि आगे के उनके जो अक्षर हैं उनको कहीं ना कहीं हम एज अ कोड लिखेंगे। तो ये हो गया आपका एडिशन। इन द सेम वे इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इनके प्रीवियस लेटर्स को भी कंसिडर कर सकते हैं एज अ कोड। अगर हम बात करें जैसे, चलिए अब इसी को अगर हम क्या करते हैं, मान लेते हैं ये पूछा गया इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज बोर्ड इज रिटन एज ए एन जेड क्यू सी। तो यहां क्लियरली देख पा रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, सब में -1 कर रहे हैं। तो यानी कि जैसे ही आपको यहाँ पे एडिशन देखने को मिल रहा है उसी प्रकार आपको सब्ट्रैक्शन भी देखने को मिल सकता है किसी भी पर्टिकुलर वर्ड के लिए दिए गए कोड में। ठीक है, यहां पे हम बात कर रहे हैं लॉजिक्स की। फिर हम बात करें यहां पे, तो ध्यान दीजिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ प्लेस वैल्यू आइदर एज होल और इन यूनिट डिजिट। यानी कि जो भी आपके दिए गए अक्षर हैं उनके प्लेस वैल्यू का सम या तो यूनिट डिजिट में हो सकता है या एज इट इज हो सकता है। अब यहाँ पे हम बात करें, जैसे मान लेते हैं वर्ड आपको दिया गया है बोर्ड, अगर इसके हम प्लेस वैल्यू की बात करें तो ये हो जाएगा 2, 15, 1, 18 और 4। अब अगर हम इसका कोड लिखें, यहाँ पे बी का अगर हम लिखते हैं बी, ओ का हम लिखते हैं एफ, ए का हम लिखते हैं ए, आर का हम लिखते हैं आई और डी का हम लिखते हैं डी।
तो यानी कि यहां पे जब आप प्लेस वैल्यू की बात करेंगे तो ये हो जाएगा दो, ये हो जाएगा छ, एक, नौ और चार। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो सिंगल डिजिट प्लेस वैल्यू वाले लेटर हैं वो क्या है, एज इट इज बने हुए हैं। बी का कोड बी हो गया, ए का कोड ए हो गया, डी का कोड डी हो गया। चेंज कहां पे आपको देखने को मिल रहा है, चेंज आपको देखने को मिल रहा है ओ में और आर में। क्यों? क्योंकि ये आपके डबल डिजिट प्लेस वैल्यू वाले लेटर्स हैं और अगर हम इनके डिजिट्स का सम करेंगे तो ओ के जब हम एक और पांच यानी कि दो डिजिट से मिलकर बना हुआ है पंद्रह, एक और पांच का सम करेंगे तो मिलेगा छ, और छ किसका प्लेस वैल्यू होता है, एफ का होता है। इसी प्रकार अगर हम बात करें आर के प्लेस वैल्यू की तो आर की प्लेस वैल्यू होती है अट्ठारह, जो कि एक और आठ से मिलकर बना हुआ है, इनका हम सम करेंगे तो मिलेगा नौ। अब ध्यान देने वाली बात यह है, यहां पे लिखा हुआ है आइदर एज होल और इन यूनिट डिजिट। तो पूरे के पूरे इंग्लिश अल्फाबेट में एक ऐसा लेटर होगा जो कि क्या होगा, एस, जिसकी अगर हम प्लेस वैल्यू की बात करें तो क्या होती है, 19 होती है, और इसके जब हम डिजिट्स का सम करते हैं तो हमें एक डबल डिजिट नंबर का वैल्यू मिलता है, और वो नंबर क्या होता है, वो नंबर होता है हमारे पास 10 यानी कि 10। अब 10 की अगर हम बात करें तो वो होता है प्लेस वैल्यू किसका, जे का। तो अगर हम उसको एज अ होल लिखते हैं तो हम लिखेंगे जे, और अगर उसको हम यूनिट डिजिट में लिखते हैं यानी कि फिर से हम क्या करते हैं 10 के डिजिट्स का सम करते हैं तो हमें मिलता है एक, तो हम लिखेंगे ए। क्लियर? तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन यहां पर देखने को मिलने वाले हैं। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहां पे अगले लॉजिक की, इसको मैं रिमूव कर रहा हूं। अगले यहां पे अगर हम लॉजिक की बात करें तो वोवेल एंड कॉन्सोनेंट, ठीक है ना। अगले यहां पे अगर हम लॉजिक की बात करें तो क्या दिया हुआ है, वोवेल एंड कॉन्सोनेंट। चलिए वोवेल एंड कॉन्सोनेंट कहने का क्या मतलब है कि वोवेल्स के लिए आपका लॉजिक जो होगा वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और कॉन्सोनेंट्स के लिए जो लॉजिक है वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। कई बार ऐसे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए हमने कहा इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज बोर्ड इज रिटन एज डी एम वाई टी और बी, सॉरी टी एंड एफ। तो यहां पे अगर मैं इसकी प्लेस वैल्यू लिखूं तो देखो बी के बाद प्लस टू करोगे तो आपको मिलेगा डी, लेकिन ओ की बात अगर हम करें तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस टू। ए की बात करें तो ए का प्रीवियस लेटर जेड और उसका प्रीवियस लेटर वाई, तो यहां पे भी आपको क्या करना पड़ा, माइनस टू। जबकि हम बात करें आर में प्लस टू और डी में प्लस टू, यानी कि वोवेल्स के लिए अलग लॉजिक और कॉन्सोनेंट्स के लिए अलग लॉजिक। तो इस प्रकार से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। क्लियर? तो ये तो हो गई बात लॉजिक्स की, अब हम आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। और सभी लोगों को क्या करना है, यहाँ पे मेरे साथ साथ क्वेश्चंस बनाते हुए चलना है। यहाँ पे हम लोग एलिमिनेशन मेथड भी सीखेंगे, लॉजिक्स को क्रैक करना भी सीखेंगे, और अभी स्पेशली वो बच्चे जो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना शुरू किए हैं, या फिर रीजनिंग का अगर हम बात करें कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर की, तो जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है या जो लोग यहाँ पे पहली बार पढ़ना शुरू किए हैं, स्पेशली उन बच्चों के लिए हम लोग यहाँ पे अभी तक जो भी चीज़ों को पढ़े हैं, चाहे वो आपका अपोजिट लेटर हो, चाहे वो आपका प्लेस वैल्यू रहा हो, सभी चीज़ों को एक पर्टिकुलर अप्रोच को फॉलो करते हुए जब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें क्या होने वाली हैं, याद होने वाली हैं। तो मैं जैसे जैसे आपको बताता चल रहा हूँ इस तरीके से आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बाद क्वेश्चंस को कैसे उड़ाना है, ऑप्शंस के साथ कैसे एलिमिनेट करना है, वो सारी चीज़ें भी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। क्लियर? चलिए, तो जैसा कि मैंने कहा अभी एक अप्रोच को फॉलो करेंगे जिससे हमें क्या हो, अपोजिट लेटर्स याद हो, हमें प्लेस वैल्यू याद हो, ठीक है ना। तो एक पेपर में आपको क्या करना है, सारे के सारे लेटर्स की प्लेस वैल्यू ले लेना है, उसको आपको क्या रखना है, साइड में रखना है क्वेश्चंस बनाते टाइम, ठीक है। और आपका अप्रोच क्या होगा, सबसे पहले आप क्या करोगे, जो भी आपको गिवन वर्ड दिया गया है यानी कि यहाँ पे पूछा गया इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज इंडिया इज रिटन एज, यानी कि किसी निश्चित कोड भाषा में इंडिया को क्या लिखा जाता है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इंडिया, आई एन डी आई ए, ठीक है, ये हो गया आपका इंडिया। और इंडिया को क्या लिखा जाता है, तो उसको हम लोग लिखेंगे इंडिया के नीचे यानी कि आर
एम डब्लू आर और जेड। क्लियर। अब क्या कर लेना है आपको, सारे के सारे लेटर्स के ऊपर आपको लिख देना है प्लेस वैल्यू, सारे के सारे लेटर्स के ऊपर लिख देना है प्लेस वैल्यू 9, 14, 4, 9, 1, 26, 18, 23, 13 और 18। अब मैं लिख रहा हूं तो आपको बोलते हुए भी चलना है, जिससे आपको प्लेस वैल्यू याद हो जाए। अब आप देखेंगे यहां पे सामने सामने, अगर हम 9 से यहां पे देखें तो 18 हो जा रहा है प्लस 9, लेकिन 14 से यहां पे नहीं हो रहा है। लेकिन जैसा कि हमने कहा था कि 9 प्लस 18 आप देखोगे तो कितना आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है, 27। कितना आपको, जब इन दोनों को आप जोड़ोगे तो कितना बनता हुआ दिखाई दे रहा है, 27। जोड़ने के बाद वैल्यू क्या मिली, 27। इन द सेम वे 14 प्लस 13 क्या मिल रहा है आपको, 27। इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या मिल रहा है, 27। तो हमने ये चीज कहां पढ़ी थी, हमने पढ़ा था कि विपरीत अक्षरों के स्थानीय मान का योग क्या होता है, सदैव 27 होता है। तो अगर अपने को प्लेस वैल्यू याद होती तब तो हम डायरेक्टली लगा देते, आई का अपोजिट आर, एन का अपोजिट एम, डी का अपोजिट डब्ल्यू, आई का अपोजिट आर, ए का अपोजिट जेड, ठीक है, तब तो वो अपने को क्लियरली दिखाई देता। बट इनकेस नहीं याद है तो याद हो जाएगी, लेकिन ऐसा करने से क्या होगा, हमें प्लेस वैल्यू भी याद हो जाएगा, अगर अपोजिट लेटर है तो वो भी अपने को क्वेश्चन में मिलता है तो वो भी अपने को क्या कर लेना है, याद कर लेना है। तो यहां पे आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि इंडिया के लिए जो कोड दिया गया है वो क्या दिया गया है, इंडिया में जो भी लेटर्स यूज हुए हैं वर्ड फॉर्म करने के लिए उन लेटर्स का अपोजिट लेटर यहाँ पे आपको दिया गया है, उन अक्षरों के विपरीत अक्षर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो जिसके लिए कोड पूछा है, कोड किसके लिए पूछा है, चाइना के लिए पूछा है, तो सी का अपोजिट क्या होगा, सी का अपोजिट होगा एक्स, तो ऑप्शन नंबर बी कैंसिल, ऑप्शन नंबर डी कैंसिल। एच का अपोजिट क्या होगा, एस होगा, दोनों में आपको दिखाई दे रहा है। फिर बात करें आई का अपोजिट क्या होगा, आर होगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका सही विकल्प हो जाएगा दिए गए प्रश्न के लिए। आगे के अगर हम अक्षरों की बात करें तो एन का अपोजिट एम और ए का अपोजिट जेड। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इंडिया के लिए आपको अगर कोड दिया गया है आर एम डब्ल्यू आर जेड, तो चाइना के लिए कोड क्या हो जाएगा, एक्स एस आर एम जेड। क्लियर। तो लेवल मैंने कहा बिल्कुल जीरो से हम लोग स्टार्ट करेंगे, और हाई लेवल तक के आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों की भी हम बात करें तो उन प्रश्नों को भी हम लोग हल करेंगे। एक और विशेष बात, जिन लोगों को लगता है कि हमें कोडिंग डिकोडिंग बहुत अच्छे से आता है या पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो उन लोगों को कम से कम इस बार अभी CGL में या फिर CHSL का जो भी पेपर आया है उसको कहीं ना कहीं एक बार पलट के देख लेने की आवश्यकता है, और वहाँ पे आपको क्वेश्चंस के लेवल पता चल जाएंगे, और जो भी यहाँ पे लेवल में अपग्रेडेशन हो रहा है या जो भी कंपटीशन में यहाँ पे बढ़ोतरी हो रही है उसके अनुसार आपको कहीं ना कहीं कंटिन्यूस चीज़ों के साथ जुड़े रहने की आवश्यकता है ना, कि आपका जो लेटेस्ट पैटर्न है उससे कहीं ना कहीं आपको फैमिलियर होते हुए चलना है, ताकि जब आप एग्ज़ाम में बैठे तो बहुत ओल्ड पैटर्न लेकर के ना बैठें, है ना, कि अगर उस प्रकार के आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए और आपने कभी पढ़ा ही ना हो या वैसे आपने लॉजिक्स देखे ही ना हो, तो ऐसा आपके साथ ना हो। इसलिए कम से कम जो रिसेंट आपके एग्जाम्स हुए हैं उनका एटलीस्ट आप क्वेश्चंस क्या करेंगे, बनाते हुए चलेंगे, कहीं कोई डाउट आता है तो उसको भी आप लोग क्या करेंगे, हमारे साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले यदि मैं क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ग्राउंड इज रिटन एज ITQ, यानी कि सबसे पहले अपने को क्या कर लेना है, लिख लेना है ग्राउंड GROUND। आपको लिख लेना है ग्राउंड। ग्राउंड की अगर हम कोड की बात करें तो क्या दिया गया है, ITQ ITQ SL B। देन अपने को क्या कर लेना था, इसके बाद अपने को लिख लेना था इसकी प्लेस वैल्यू, यानी कि हम G की प्लेस वैल्यू की बात करें तो 7, R की बात करें तो 18, O की प्लेस वैल्यू 15, U की 21, N की 14 और D की 4। इसी प्रकार I की प्लेस वैल्यू 9, T की 20, Q की 17, S की 19, L की 12 और B की 2। ये हो गई बात इसके
प्लेस वैल्यू की अब हम लोग यहाँ पे लॉजिक फाइंड करने का प्रयास करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे लॉजिक की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 से क्या बन जा रहा है, 9 बन जा रहा है, यानी कि क्या देखने को मिला अपने को, प्लस 2। 18 से क्या बन जा रहा है, 20 बन जा रहा है, तो यहाँ पे भी क्या देखने को मिल रहा है, प्लस 2। 15 से क्या हो जा रहा है, 17 हो जा रहा है, तो यहाँ पे भी क्या हो जा रहा है, प्लस 2। और अगर हम यहाँ पे बात करें आगे के तीन अक्षरों की, तो यू की प्लेस वैल्यू 21 और यहाँ पे क्या हो जा रहा है, एस हो जा रहा है, यानी कि ये क्या हो जा रहा है, माइनस 2। 14 से 12 हो जा रहा है, यानी कि यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, माइनस 2। और 4 से यहाँ पे 2 हो जा रहा है, तो यहाँ पे भी क्या देखने को मिल रहा है, माइनस 2। तो हमें गलती ये नहीं करनी कि हमने एक दो यहाँ पे लेटर्स का कोड मतलब लॉजिक हमने फाइंड कर लिया और उसके बाद हम सीधे क्या चले गए, ऑप्शन पे चले गए और यहाँ पे देखा टी, तो टी में हम क्या करेंगे, प्लस 2 करेंगे। मान लो आपको ऑप्शन में कहीं पे वी कॉर्नर पे दिखाई दे और सीधे सीधे आप वी मार के चले, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको थोड़ा पेशेंस के साथ में समझना है कि पूरे में, यानी कि ये भी हो सकता है कि फर्स्ट हाफ में अलग लॉजिक हो और सेकंड हाफ में अलग लॉजिक हो। तो इत्मीनान से क्वेश्चन बनाना है, जब तक आप चीजों को प्रॉपर सीख नहीं जाते, जब तक आप स्पीड वो गेन नहीं कर लेते कि आपको विदाउट यूजिंग कॉपी पेन क्वेश्चन बनाना आ जाए। क्लियर। अब यहां पे आप देख पा रहे हैं कि फर्स्ट हाफ में प्लस 2, सेकंड हाफ में माइनस 2। अब कोड पूछा है प्रॉफिट के लिए, तो यहां पे क्या कर लेना है, सेकंड हाफ में माइनस 2 करना है, यानी कि फर्स्ट हाफ में प्लस 2 हो रहा है और सेकंड हाफ में माइनस 2 हो रहा है, तो पी में आपको क्या करना होगा, प्लस 2, आर में क्या करना होगा, प्लस 2, और ओ में क्या करना होगा, प्लस 2। तो पी प्लस 2 करोगे तो मिलेगा आर, आर प्लस 2 करोगे तो मिलेगा टी, और ओ प्लस 2 करोगे तो मिलेगा क्यू। यानी कि अगर हम फर्स्ट यहां पे ऑप्शन को छोड़ दें तो बाकी सब में आपको सिमिलर ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, फर्स्ट थ्री लेटर सबके क्या दिखाई दे रहे हैं, सिमिलर दिखाई दे रहे हैं। लास्ट थ्री की अगर हम बात करें तो एफ में माइनस 2 करोगे तो क्या मिलेगा, डी मिलेगा, आई में माइनस 2 करोगे तो मिलेगा जी, और टी में माइनस 2 करोगे तो मिलेगा आर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। यानी कि दिए गए प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर सी यानी विकल्प सी आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग यहां पे अगले प्रश्न की ओर। अगले यदि हम यहां पे क्वेश्चन की बात करें तो आपको दिया गया है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज सेलेक्ट इज रिटन एज एन एच यू आर जेड सी, यानी कि किसी कूट भाषा में सेलेक्ट को क्या लिखते हैं, तो एस ई एल ई सी टी। सेलेक्ट इज रिटन एज एन एच यू आर जेड और सी। सेलेक्ट के अगर हम यहां पे प्लेस वैल्यू की बात करें तो एस की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 19, ई की प्लेस वैल्यू 5, एल की प्लेस वैल्यू 12, ई की प्लेस वैल्यू 5, सी की प्लेस वैल्यू 3 और टी की प्लेस वैल्यू 20। एन की प्लेस वैल्यू 14, H की प्लेस वैल्यू 8, U की प्लेस वैल्यू 21, R की प्लेस वैल्यू 18, Z की प्लेस वैल्यू 26, C की प्लेस वैल्यू 3। ये तो हो गई बात प्लेस वैल्यू की। अब हम लोग यहाँ पे लॉजिक फाइंड करेंगे कि आखिर हमने सेलेक्ट को लिखा है N H U R Z C, तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है। लॉजिक की अगर हम बात करें, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सामने सामने का डिफरेंस देखते हैं, सामने सामने के डिफरेंस, या फिर अगर हम बात करें अपोजिट लेटर देखते हैं, या अपोजिट लेटर प्लस 1, अपोजिट लेटर माइनस 1, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे, जो कि आपको लॉजिक में नहीं मेंशन था, अलग से मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे अगर हम बात करें 19 से ये हो जा रहा है 14, अगर बात करें यहाँ पे डिफरेंस की तो यहाँ पे आपको माइनस 5 का डिफरेंस दिखाई दे रहा है, जबकि 5 से हो जा रहा है 8, तो आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, प्लस 3 का डिफरेंस, लेकिन 12 से हो जा रहा है 21, तो यहाँ पे आपको प्लस 9 का डिफरेंस दिखाई दे रहा है। यानी कि आप देख सकते हैं ये एक वैलिड पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, ये एक वैलिड सीक्वेंस को फॉलो नहीं कर रहा है। जब ये इस प्रकार एक वैलिड सीक्वेंस को फॉलो नहीं करेगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पैटर्न्स की भी बात कर सकते हैं और कुछ वेरियस लॉजिक्स की भी बात कर सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने देखा सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ प्लेस वैल्यू और इस प्रकार के कुछ और लॉजिक्स के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है ना। चलिए तो अगर मैं यहां पे बात करूं लॉजिक की तो और क्या क्या लॉजिक हो सकते हैं, जैसे हम बात करें यहां पे अगर
एस के अपोजिट लेटर की, तो एस का अपोजिट लेटर होता है एच, जो कि आपको यहां पे तो देखने को मिल रहा है, लेकिन ई का अपोजिट लेटर होता है वी, जो कि आपको यहां पे देखने को नहीं मिल रहा है। क्लियर। अब अगर हम बात करें यहां पे एस के अपोजिट लेटर की, तो एस का अपोजिट लेटर तो मिल रहा है, लेकिन ई का अपोजिट लेटर नहीं मिल रहा है। इट मींस यहां पे ऐसे लॉजिक भी बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है पैटर्न के साथ, यानी कि इसका कोड इधर और इसका कोड इधर, ऐसा भी आपको पैटर्न यहां पे बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए यहां पे थे हम लोग। और यहां पे क्या लॉजिक हो सकता है उसके बारे में हम लोग यहां पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब अगर यहां पे आप ध्यान दीजिए, जब कभी भी आपको इस प्रकार से वर्ड्स गिवन हो और सामने सामने में आप लॉजिक नहीं पिक कर पा रहे, तो आपके पास वेरियस पैटर्न होते हैं, वेरियस टाइप के पैटर्न होते हैं। लेकिन मुख्यतः हम ये कहेंगे, ये सजेस्ट करेंगे कि आप ऐसे केसेस में क्या करिए, वर्ड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करिए, और अगर वहां पे आपके ऑड नंबर ऑफ लेटर्स हैं, ठीक है, विषम संख्या में अगर वहां पे अक्षर हैं, तो मिड वाले को आप डिवाइड कर लीजिए, मिड वाले का सामने वाले का कोड सामने वाले के साथ फाइंड करने का प्रयास करिए, और उसी के आसपास के लॉजिक आपको लेफ्ट या राइट साइड में भी देखने को मिलेंगे। चलिए यहां पे अगर हम बात करें, तो आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। अच्छा, और क्या क्या हम यहाँ पे पैटर्न बना सकते थे, फर्स्ट का इंटरचेंज लास्ट से कर सकते थे, जो कि आपको प्रॉपर बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। फर्स्ट हाफ के बाद अगर हम बात करें, फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ को अगर हम अलग कर लेते हैं, तो L के साथ अगर हम N का पैटर्न बनाएं, तो 12 प्लस 2 14, यानी कि प्लस 2 19, प्लस 2 करोगे तो क्या हो जाएगा 21, यहां पे भी क्या है प्लस 2, और 5 प्लस 3 करोगे तो मिलेगा 8, यानी कि यहां पे क्या है प्लस 3। यहां तक क्लियर, यहां तक समझ में आ रहा है। फिर इसी प्रकार अगर हम बात करें, E से हम C की बात करें, तो यहां क्लियरली देख सकते हैं क्या दिखाई दे रहा है, माइनस 2 दिखाई दे रहा है। P से हम R की बात करें, तो यहां क्या दिखाई दे रहा है, माइनस 2 दिखाई दे रहा है। और C से हम Z की बात करें, तो यहां क्या दिखाई दे रहा है, माइनस 3 दिखाई दे रहा है। यानी कि अगर हम बात करें यहां पे लॉजिक की, तो फर्स्ट हाफ में एक पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और इस पैटर्न में क्या हो रहा है, प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2, और सेकेंड हाफ में भी आपको यही पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पे माइनस 2 माइनस 3 और माइनस 2। इन द सेम वे आपसे पूछा गया है कोड किसके लिए, फॉर्मेट के लिए कोड पूछा गया है, तो R में प्लस 2 करोगे तो हो जाएगा T, O में प्लस 3 करोगे तो हो जाएगा आपका R, और F में प्लस 2 करोगे तो हो जाएगा आपका H, यानी कि हो जाएगा TRH, जो कि आपको दो विकल्पों में दिखाई दे रहा है, यानी कि B और D हो गए आपके कैंसिल। नेक्स्ट की हम बात करें, तो इसमें अपने को करना था माइनस 2 तो मिलेगा K, T में करोगे माइनस 2 तो मिलेगा R, और A में करोगे माइनस 3 तो मिलेगा आपको X, यानी कि R X K, जो कि आपको ऑप्शन नंबर C में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्लियर। तो इस प्रकार आपका यहां पे उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C, यानी विकल्प C। बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे अगले प्रश्न की। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो सेम अप्रोच यहाँ पे भी हम लोग फॉलो करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या है आपका, गिवन वर्ड, गिवन वर्ड की अगर हम बात करें, तो क्या दिया गया है, नाइट, NIKNIGHT, तो ये हो गया नाइट। इसके सामने में हम क्या लिख लेंगे, इसके सामने में हम लिख लेंगे इसका दिया गया कोड, जो कि क्या है, KPMVJ और आई। तो जैसा कि मैंने कहा, जब तक हम सीख नहीं जाते, तब तक अपने को क्या करना है, इस पर्टिकुलर अप्रोच को फॉलो करके चलना है। तो अगर यहां पे हम बात करेंगे प्लेस वैल्यू की, तो 11, 14, 9, 7, 8 और 20, इन द सेम वे यहां हो जाएगा 9, 10, 22, M का हो जाएगा 13, P का हो जाएगा 16 और K का हो जाएगा 11। ये तो हो गई बात प्लेस वैल्यू की। अब हम बात करेंगे लॉजिक्स की, तो जब सामने सामने आपका एक वैलिड पैटर्न फॉलो नहीं होगा, तो वहां पे हम क्या करेंगे, पैटर्न्स की बात करेंगे, यानी कि हम हो सकता है फर्स्ट का इंटरचेंज लास्ट से करें, या हो सकता है फर्स्ट का इंटरचेंज थर्ड से करें, या हो सकता है फर्स्ट का इंटरचेंज हम फोर्थ के साथ करें। तो वेरियस टाइप के पैटर्न्स हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखे हैं, जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपको एक पैटर्न देखने को मिला था। तो यहां पर अगर हम बात करें, देखो सामने सामने तो कोड बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, 11 से 11 हो जा रहा है, प्लस 0 14 से 16 हो जा रहा है, प्लस 2 9 से 13 हो जा रहा है, प्लस 4 7 से 22 हो जा रहा है। तो यहाँ पे आपको ये सीक्वेंस भी एक वैलिड लगता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। तो यहाँ पे हम बात कर लेंगे पैटर्न की। पैटर्न की अगर हम बात करें, तो देखो फर्स्ट हाफ को अगर हम यहाँ पे चेंज करते हैं, तो 9 से 11
14 से 16, 11 से 13, 7 से 9, 20 से 22, 8 से 10। यानी कि यहाँ पे आपको एक पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और हम लॉजिक की बात करें तो लॉजिक क्या हो रहा है, प्लस टू। तो पूछे गए कोड की अगर हम बात करें तो कोरोना है ना, कोरोना तो वैसे भी अभी तो आपका एक नया वेरिएंट आ गया है, तो जो भी जो कि आपका क्या एक चिंता का विषय है, खैर आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको रेगुलर बेसिस पे आपको इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पे क्लास मिलते रहेंगे, तो आपको अपने स्टडी को कंटिन्यू रखना है, ठीक है ना। तो बात करें आर प्लस टू करोगे तो क्या हो जाएगा, टी ओ प्लस टू करोगे तो क्या हो जाएगा, क्यू सी प्लस टू करोगे तो क्या मिलेगा, ई। यानी कि टी क्यू ई आपको एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी में। बचे हुए लेटर्स की बात करें तो ए प्लस टू करोगे तो सी, एन प्लस टू करोगे तो मिलेगा पी, और ओ प्लस टू करोगे तो क्यू, यानी कि सी पी क्यू। क्लियर। बात कर लेते हैं हम लोग यहां पे अगले क्वेश्चन की। चलिए अगला क्वेश्चन फटाफट से बनाना है। तो बात करें अगर हम यहां पे क्वेश्चन की, तो बोला गया है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज गोल इज रिटन एज यू एम ए पी, यानी किसी कूट भाषा में हम गोल को क्या लिखते हैं, यू एम ए पी। तो सबसे पहले क्या करना है, गिवन वर्ड, उसके नीचे क्या करना है अपने को, कोड लिखना है। प्लेस वैल्यू की बात करें तो 7, 15, 1, 12, 16, 1, 13, 21। क्लियर। चल अगर यहां पे हम बात करें लॉजिक की, अगर हम बात करें यहां पे लॉजिक की, तो जैसा कि मैंने कहा कि अपोजिट लेटर के बाद प्लस या माइनस को मैंने डिस्कस नहीं किया है लॉजिक में, और यहाँ पे हम अलग से उसको मेंशन करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे ये लॉजिक देखने को मिल रहा है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 7 + 21 यहाँ पे आपको कितना होता हुआ दिखाई दे रहा है, 28। 15 और 13 ये भी कितना बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो 28। अच्छा 1 और 1, जब भी आपको ए से ए मिल जाए तो देखो जेड होता है 26। अगर हम नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे ए, तो इसको हम इसके आगे अगर कंसीडर करेंगे तो ये हो जाएगा 27, बी हो जाएगा 28। इसकी भी आवश्यकता पड़ेगी कहीं कहीं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो अगर इसको आप 27 कंसीडर करते हो तो यहाँ पे भी आपको सम देखने को मिलेगा 28, और अगर इसको आप ए कंसीडर करते हो तो देखो इसका अपोजिट होता है जेड, और जेड का जो नेक्स्ट लेटर बात करेंगे तो फिर से आपका अल्फाबेट सीरीज क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि अगला लेटर आपको मिलेगा ए। यहाँ पे देखो 28 क्यों हो रहा है, जी का अपोजिट लेटर होता है टी, और टी में जब हम प्लस वन करेंगे तो मिलेगा यू, यानी कि अपोजिट का सम हमने क्या पढ़ा होता है 27, और जब उसमें एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा 28। ऐसे केसेस में केवल ए के लिए आपको क्या मिलेगा, ए मिलेगा, यानी कि ए का अपोजिट क्या होता है, जेड होता है, और जेड में एक जोड़ोगे तो क्या मिलेगा आपको, अगेन ए मिलेगा। क्लियर। तो यहाँ पे एक और लॉजिक, आप जहां पे आप लोगों ने लॉजिक को नोट डाउन करके रखा था, तो यहाँ पे आप लोग अपोजिट लेटर देखो अलग से मेंशन इसलिए नहीं करा है क्योंकि वहां पे आपको एडिशन भी पढ़ा दिया और अपोजिट भी पढ़ा दिया। अब यहाँ पे दो लॉजिक्स को कंबाइन करके एक नया लॉजिक देखने को मिल रहा है, तो इस प्रकार के भी प्रश्न बनते हैं। ये हमारा मुख्य उद्देश्य था आपको अवगत कराना इस क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो अपोजिट लेटर प्लस वन है तो अपोजिट लेटर माइनस वन भी हो सकता है। उसको आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो जब भी आपका अपोजिट लेटर का सम क्या मिलने लगे आपको, 26 मिलने लगे या 25 मिलने लगे, 25 मिलेगा तो अपोजिट लेटर माइनस टू, 26 मिलेगा तो अपोजिट लेटर माइनस वन। क्लियर। तो अगर हम बात करें अपोजिट लेटर माइनस हो रहा होता तो क्या मिलता, जी का अपोजिट होता है टी, माइनस वन करोगे तो एस, तो 19 होती एस की प्लेस वैल्यू और जी की 7, तो सम आपको क्या मिल जाता है, 26। हालांकि यहां पर अगर हम लॉजिक की बात करें तो आपको लॉजिक क्या देखने को मिल रहा है, अपोजिट लेटर प्लस वन। क्लियर। तो पूछा क्या गया आपसे, डब के लिए कोड पूछा गया, तो डी का अपोजिट क्या होता है, डब्ल्यू, डब्ल्यू प्लस वन करोगे तो क्या मिलेगा, एक्स, एक ऑप्शन कैंसिल। फिर बात करें ओ का अपोजिट एल, एल प्लस वन करोगे एम, आपको तीनों में दिखाई दे रहा है। वी की बात करें तो वी का अपोजिट ई, ई प्लस वन करोगे तो एफ, एक और ऑप्शन कैंसिल और एक और ऑप्शन कैंसिल, यानी बचा आपको ऑप्शन नंबर डी। और बात करें ई की, तो ई का अपोजिट होता है वी, और वी प्लस वन करोगे तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू, यानी कि प्लेस वैल्यू वी की क्या होती है, 22, ई की होती है 5, तो 22 प्लस 5 तो हो रहा था 27, लेकिन जैसे ही हम एक जोड़ते हैं यानी कि डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू अगर हम जोड़ेंगे तो 5 + 23 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 28। चलिए बात कर लेते हम लोग यहाँ पे अगले क्वेश्चन की। अच्छा कितने ऐसे बच्चे हैं, आप लोग भी यहाँ पे कमेंट करके बताना, जिनके अभी तक सभी क्वेश्चन क्या हुए हैं,
सही हुए हैं, ठीक है ना। चलो बात करेंगे हम यहाँ पे अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न की बात करें तो पूछा है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज अमेरिका इज रिटन एस बी एल एफ क्यू जे डबल बी ऑस्ट्रेलिया। अच्छा यहाँ पे आपको दो शब्दों के लिए क्या दिया गया है, कूट दिया गया है यानी कि कोड दिया गया है, और तीसरे शब्द के लिए यहाँ पे आपसे कोड पूछा गया है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लॉजिक को समझने का प्रयास करते हैं। आई होप कि अभी तक प्लेस वैल्यू याद हो चुकी होगी। ए की बात करें तो यहाँ पे मिल रहा है बी, एम की बात करें तो यहाँ पे मिल रहा है एल, यानी कि ए से प्लस वन, एम से माइनस वन, ई से एफ प्लस वन, आर से क्यू माइनस वन, आई से जे प्लस वन, सी से बी माइनस वन और ए से बी प्लस वन। यानी कि अगर हम अमेरिका के लिए कूट देखें या कोड देखें तो अभी तक हमको क्या मिला, प्लस वन माइनस वन, प्लस वन माइनस वन, फिर उसके बाद में आपका प्लस वन माइनस वन और प्लस वन, ठीक है। यानी कि इस सीक्वेंस में आपको यहाँ पे कोड देखने को मिला। अब हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के लिए। ऑस्ट्रेलिया के लिए अगर हम बात करें तो क्या मिल रहा है यहाँ पे अपने को, मिल रहा है प्लस वन। यू के लिए क्या मिल रहा है, वी यानी कि प्लस वन। देखो यहीं पे आप मिस्टेक करते हो। अगर आपने क्या किया होता, आपने केवल और केवल अमेरिका यानी कि केवल और केवल ये वर्ड देखा होता, अमेरिका नहीं, अमेरिका नहीं देखने जा रहे अभी, है ना। केवल और केवल अगर अमेरिका देखे होते और ऑस्ट्रेलिया नहीं देखे होते तो मिस्टेक कर जाते, है ना। अगर यहाँ पे हम बात करें वर्ड अमेरिका की, तो अमेरिका में आप देखेंगे कि अल्टरनेट आपको वोवेल और कॉन्सोनेंट देखने को मिल रहे हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया में ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। अब इनकेस पूछा गया आपसे यूरोप के लिए, और यूरोप के लिए यहाँ पे कोई एक ऐसा ऑप्शन लगा दिया जाता जहाँ पे अल्टरनेट वोवेल और कॉन्सोनेंट होते और आप उसको क्या करते, बिना ऑस्ट्रेलिया वर्ड को कंसिडर किए आप उस ऑप्शन पे जाते, तो कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर बैठते। यानी कि यहाँ पे अगर हम लॉजिक की बात करें तो देखो यहाँ पे प्लस वन और अगेन प्लस वन दिखाई दिया, जबकि हम एस के लिए बात करें तो क्या दिखाई दे रहा है, आर यानी कि माइनस वन। फिर टी के लिए आपको क्या दिखाई दे रहा है, एस यानी कि माइनस वन। ए के लिए अगेन आपको दिखाई दे रहा है प्लस वन, यानी कि ए क्या है, एक वोवेल है, तो यहाँ पे आपको प्लस वन मिला। एल के लिए क्या दिखाई दे रहा है, के यानी कि माइनस वन। आई के लिए दिखाई दे रहा है आपको जे यानी कि प्लस वन, और बी ए के लिए दिखाई दे रहा है बी यानी कि प्लस वन। तो सिंपली समझिए यहाँ पे लॉजिक क्या लग रहा है, जहां जहां भी आपके वोवेल्स हैं वहां पे आपको क्या कर लेना है, प्लस वन कर लेना है, और जहां आपका कॉन्सोनेंट है वहां आपको क्या कर देना है, माइनस वन। क्लियर। तो यूरोप की अगर हम बात करें तो ई का क्या हो जाएगा, एफ, जो कि आपको चारों विकल्पों में दिया गया है। U का क्या हो जाएगा, V हो जाएगा, जो कि आपके केवल और केवल दो विकल्प में दिया गया है। लास्ट अगर हम बात करें E का क्या हो जाएगा, F, तो बचे हुए दोनों विकल्पों में दिया गया है। लेकिन P का P नहीं रहेगा, तो ऑप्शन नंबर B क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा दिए गए प्रश्न के लिए। चलिए बढ़ते हम लोग यहां पे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन की बात करें तो पूछा है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज बुक इज रिटन एज एक्स जे आई एल, यानी कि किसी कूट भाषा में अगर हम बुक की बात करें तो क्या लिखते हैं, एक्स जे आई एल लिखते हैं। तो चलो यहाँ पे फटाफट से क्या करते हैं हम लोग, लॉजिक फाइंड करते हैं कि बुक के लिए यहाँ पे कोड दिया गया अगर एक्स जे आई एल तो इसके पीछे लॉजिक क्या है। तो अगर हम कोड की बात करें तो बी का कोड होता है दो प्लेस वैल्यू, और ओ की 15, ओ की 15 और के की 11, 12, 9, 10 और 24। बी का अपोजिट होता है वाई, यहाँ पे देखने को क्या मिल रहा है, 2 और 24, 26, लेकिन यहाँ पे 15 और 10, 25, यहाँ पे 15 और 9, 24, यहाँ पे 11 और 12, 23। समझिए बात को, अगर हम बात करें तो बी का अपोजिट लेटर होता है वाई, चलो लिख भी देता हूँ, बी का अपोजिट लेटर होता है वाई, O का अपोजिट लेटर होता है L, O का अपोजिट लेटर होता है L और K का अपोजिट लेटर होता है P। अगर हम बात करें इसकी प्लेस वैल्यू की तो यहाँ पे आपको इससे एक कम दिखाई देगा, यहाँ पे इससे आपको दो कम दिखाई देगा, यहाँ पे इससे आपको तीन कम दिखाई देगा और यहाँ पे इससे आपको चार कम दिखाई देगा। यानी कि अपोजिट लेटर क्या करना था, माइनस वन करना था, अपोजिट लेटर करके माइनस टू करना था, अपोजिट लेटर करके माइनस थ्री करना था और अपोजिट लेटर करके माइनस फोर करना था। पूछा किसके लिए गया है कोड, पूछा गया आपसे कॉपी के लिए कोड।
तो कॉपी में क्या करोगे, अपोजिट लेटर, सी का अपोजिट लेटर क्या होता है एक्स, माइनस वन करोगे तो मिलेगा डब्ल्यू, यानी कि ऑप्शन नंबर बी कैंसिल और ऑप्शन नंबर डी कैंसिल। ओ का अपोजिट लेटर होता है एल, माइनस टू करोगे तो मिलेगा आपको जे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए भी क्या हो गया आपका कैंसिल, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका क्या बनेगा राइट आंसर बनेगा। आगे की अगर हम बात करें तो पी का अपोजिट लेटर क्या होता है के होता है, और के की प्लेस वैल्यू होती है 11, माइनस तीन करोगे तो मिलेगा एच, जो कि किसका, जिसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है 8। वाई का अपोजिट होता है बी, और बी में आप क्या करोगे माइनस तीन करोगे, तो जैसे कि मैंने कहा ए को 27 तो बी को 28, 28 माइनस चार, सॉरी 28 माइनस क्या करना, तीन नहीं करना चार करना है, तो 28 माइनस क्या करोगे चार करोगे तो क्या मिलेगा 24, जो कि किसकी प्लेस वैल्यू होती है एक्स की प्लेस वैल्यू होती है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग यहां पे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले यदि मैं क्वेश्चन की बात करूं तो बोला है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज करियर इज रिटन एज FHIDDI, हाउ इज स्कूल रिटन इन दैट कोड। तो भाई साहब स्कूल तो दो सालों से बंद ही चल रहा था, और अभी जिस तरीके की न्यूज आ रही है ना, नया वेरिएंट आपका ओमिक्रॉन, तो कहीं ना कहीं अभी तो एक महीने के लिए तो फिलहाल स्कूल बंद ही हो गया है, बाकी आगे देखिए आशंकाएं ऐसी बनी हुई हैं कि कहीं से फिर से लॉकडाउन जैसी स्थिति ना आ जाए, तो आप लोग भी कहीं ना कहीं सावधानी बरतिए, चीज़ों को थोड़ा सा समझते हुए कि इस प्रकार की सिचुएशन दोबारा हमें ना फेस करनी पड़े। चलिए हालांकि हम यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन की, तो सी से एफ, सी से अगर हम एफ की बात करें, अगर सामने सामने का अगर हम यहाँ पे लॉजिक लगाएं तो सी से एफ की अगर हम बात करें तो प्लस थ्री, लेकिन ए से हम बात करें एच की तो प्लस सेवन, और आर से बात करें आई तो अपोजिट लेटर, यानी कि इस तरीके से यहाँ पे लॉजिक लगता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। तो फटाफट से वही अप्रोच क्या करेंगे, सी ए आर डबल ई आर, करियर, करियर का कोड क्या दिया हुआ है एफ एच आई डी डी और आई, बात करें प्लेस वैल्यू की तो 3 1 18 5 5 18 9 4 4 9 8 6, ठीक है। अब यहां पे अगर हम बात करें लॉजिक की तो देखो सी से डी, ए से डी, यानी कि यहां पे अगर देखोगे तो प्लस वन, यहां से देखोगे तो प्लस थ्री, फिर यहां पे देखोगे तो माइनस नाइन, वैसा भी लॉजिक लगता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, यानी कि पैटर्न भी बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब हम क्या करने वाले हैं यहां पे, तो ध्यान दीजिए अगर हम बात करें सी के अपोजिट लेटर की, सी के अपोजिट लेटर की, तो अपोजिट लेटर होता है एक्स, और एक्स की प्लेस वैल्यू क्या होती है 24, 2 + 4 करोगे तो क्या हो जाएगा 6, जो कि यहां पे आपको देखने को मिल रहा है। इन द सेम वे ए की प्लेस वैल्यू क्या, ए का अपोजिट लेटर क्या होता है जेड, और जेड की प्लेस वैल्यू क्या होती है 26, 2 + 6 करोगे तो क्या हो जाएगा 8, जो कि आपको यहां पे देखने को मिल रहा है। यानी कि यहां पे अगर हम लॉजिक की बात करें तो लॉजिक क्या आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है, अपोजिट लेटर का डिजिट्स का हम लोग क्या करेंगे, अपोजिट लेटर के प्लेस वैल्यू की डिजिट्स का हम लोग यहां पे सम करेंगे। और इसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे आप, जब भी अपोजिट लेटर का जो प्लेस वैल्यू है वो सिंगल डिजिट में होगा, जब कभी भी अपोजिट लेटर का प्लेस वैल्यू आपका सिंगल डिजिट में होगा तो वो पर्टिकुलर लेटर आपको एज इट इज दिखाई देगा। जैसे कि आर का अपोजिट होता है आई, और आई की प्लेस वैल्यू की हम बात करें तो होती है 9, जो कि क्या है सिंगल डिजिट प्लेस वैल्यू वाला लेटर है, तो वो आपको एज इट इज बनता हुआ दिखाई दे रहा, तो यहां से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। कैसे आप पिक करोगे, लॉजिक क्या लगा उसके बारे में यहाँ पे आपको बता रहा हूं। तो अगर हम बात करें E का अपोजिट होता है V, प्लेस वैल्यू होती है 22, तो 2 + 2 करोगे तो हो जाएगा 4, जो कि प्लेस वैल्यू किसका होता है D का होता है। इसी प्रकार यहाँ पे भी आपको D देखने को मिल रहा है। R का अपोजिट क्या होता है I, सिंगल डिजिट प्लेस वैल्यू वाला लेटर है एज इट इज आपको दिखाई दे रहा है। A का अपोजिट होता है Z, Z की प्लेस वैल्यू होती है 26, 2 + 6 करोगे 8, किसकी प्लेस वैल्यू H की। C का अपोजिट होता है X, X की प्लेस वैल्यू होती है 24, 2 + 4 करोगे तो प्लेस वैल्यू आपको किसकी मिलेगी एफ की मिलेगी, जो कि कितनी होती है 6। चलिए पूछा किसके लिए गया है कोड, पूछा गया है स्कूल के लिए। एस का अपोजिट क्या होता है एच, हनी सिंह, तो एच आपको एज इट इज यहां दिखाई दे रहा है, और एच आपको एज इट इज यहां दिखाई दे रहा है, यानी कि ये ऑप्शन कैंसिल, ये ऑप्शन कैंसिल, बच गया अपने पास दो ऑप्शन। फिर बात करें सी का अपोजिट एक्स, एक्स की प्लेस वैल्यू
24, तो 2 प्लस 4 करोगे 6, दोनों ऑप्शन में मिल रहा है। H का अपोजिट करोगे S, S की प्रीवियस वैल्यू 19, 9 प्लस 1 करोगे 10, दोनों में मिल रहा है। तो हम पूरा क्यों चेक करेंगे, जहां पे लेटर अपना क्या होगा डिफरेंट होगा उसी को हमने सीधे सीधे क्या कर लेना था, चेक कर लेना था, जो कि क्या है सेकंड लास्ट लेटर है। सेकंड लास्ट लेटर में बात करें अगर हम यहाँ पे O की, तो O की प्लेस वैल्यू क्या होती है 15, 5 प्लस 1 करोगे तो क्या मिलेगा 6 मिलेगा। अच्छा O के अपोजिट लेटर, सॉरी O का अपोजिट लेटर की हम बात करें तो O का अपोजिट लेटर होता है L और L की प्लेस वैल्यू होता है 12, 12 में 2 प्लस 1 करोगे 3 मिलेगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में, सॉरी ऑप्शन नंबर ए में आपको देखने को मिल रहा है, जबकि ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहां पे जो आपका सही विकल्प हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, चलिए बढ़ते हम लोग यहां पे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले यदि मैं यहां पे प्रश्न की बात करूं तो पूछा गया है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज प्रिंट इज रिटन एज EGICB, ठीक है, यानी कि किसी कूट भाषा में हम प्रिंट को क्या लिखते हैं EGICB। तो पी की अगर हम प्लेस वैल्यू की बात करें तो होती है 16 और E की प्लेस वैल्यू की बात करें तो होती है 5। अब तक आपका दिमाग काम करना शुरू कर देना चाहिए, देखो कैसे पी आर आई एन टी, अगर अभी तक आप हमारे साथ बने हुए हैं और क्वेश्चंस साथ में सॉल्व करते चल रहे हैं तो आपका दिमाग अब तक चीजों को कहीं ना कहीं समझना स्टार्ट हो जाना चाहिए। चलो देखते हैं, 16, 18, 9, 14, 20, 2, 3, 9, 7 और 5, 6 और 1 का डिफरेंस 5, 8 और 1 का डिफरेंस 7, 9 एज इट इज, 4 और 1 का डिफरेंस 3, 2 और 0 का डिफरेंस। पूछा किसके लिए गया है कोड, सेंट के लिए, तो 9 और 1 का डिफरेंस 8 यानी कि H, दो ऑप्शन कैंसिल। अब इसमें भी देखो सेकंड लास्ट दोनों में देखो, अब धीरे धीरे हम क्या करेंगे टाइम कैसे मैनेज करना उसके ऊपर भी हम लोग यहाँ पे काम करना शुरू करेंगे। अब पूरे को अगर हम बनाते चलेंगे तो देखो यहाँ पे भी आपको सेकंड लेटर क्या दिखाई दे रहा है, अलग दिखाई दे रहा है, और अगर ये भी सिमिलर दिखाई दे रहा है तो हम किस पे काम करते हैं, हम सेकंड लास्ट लेटर पे काम करते हैं या लास्ट लेटर पे हम काम करते हैं, जबकि थर्ड वन आपका क्या है एज इट इज गिवन है, ठीक है। तो अगर हम सेकंड लेटर की बात करें तो सेकंड लेटर आपको यहाँ पे दिया गया है ए, और ए क्या है आपका प्लेस वैल्यू है 1, तो ए आपको एज इट इज दिखाई देगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बाकी आई भी आपको एज इट इज दिखाई देगा। एन की बात करें तो 4 और 1 का डिफरेंस 3, सी और टी की बात करें 2 और 0 का डिफरेंस 2। क्लियर, तो ये हो गया आपका आंसर। बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे अगले क्वेश्चन की, xylem इज रिटन एज HJBEC। चलो डायरेक्ट इसका हम क्या करेंगे लॉजिक फाइंड करने का प्रयास करेंगे। x की प्लेस वैल्यू की हम बात करें तो कितनी होती है 24, डिजिट्स की बात करें तो 4 और 2, h की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 8, तो 4 और 2 और यहाँ पे मिल रहा है 8। y की बात करें तो 5 और 2, 25, वहां पे मिल रहा है j यानी कि 10। समझिए x y l e m h j b e c, प्लेस वैल्यू 24, 25, 12, 5, 13, 5, 2, 10, 8। नंबर्स लिखने से काफी कुछ यहाँ पे आपको क्लियर होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन जैसे जैसे आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो माइंड में ही चीजें आपको क्लियर होती चली जाएंगी, जिससे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कॉपी पेन चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप क्वेश्चन को ओरली ही क्या कर पाओगे सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ पे हम लॉजिक को समझने का प्रयास करते हैं। एक्स में यहाँ पे आपके जो डिजिट्स दी गई हैं वो दी गई हैं 2 और 4, अगर इनका हम मल्टीप्लाई करें तो मिलेगा 8, जो कि किसकी प्लेस वैल्यू होती है एच की। वाई में अगर हम बात करें तो 2 × 5 करोगे तो मिलेगा 10, जो कि किसकी प्लेस वैल्यू होती है जे की। 12 में 1 × 2 करोगे तो मिलेगा 2, जो कि किसकी प्लेस वैल्यू होती है बी की। 5 सिंगल लेटर था, सिंगल डिजिट प्लेस वैल्यू वाला लेटर था तो 5 एज इट इज लिख दिए। और एम की बात करें तो 3 वंजा की अगर हम बात करें तो क्या मिलेगा 3 मिलेगा। पूछा किसके लिए गया है कोड, तो पूछा गया आपसे एक्सरे के लिए, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 8, आर करोगे तो
वन इंटू एट यहां पे भी मिलेगा आपको एच, और डबल एच वाले यहां पे आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। लास्ट लेटर इसका हम चेक करेंगे, वाई की बात करें तो 25 का कितना होता है 10 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी के लिए आंसर हो जाएगा, यानी कि अपने को यहां पे जो सही उत्तर मिल रहा है वो कहां मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहां पे अगले प्रश्न की। यदि मैं यहां पे अगले प्रश्न की बात करूं तो आपसे बोला गया है ना, सर्टेन कोड लैंग्वेज ट्रिपल इज रिटन एज एस टी एफ टी जी के। समझने का प्रयास करेंगे, यहां पे अगर हम बात करें टी तो यहां पे आपको दिखाई दे रहा है एस यानी कि माइनस वन, आर की हम बात करेंगे 18 तो यानी कि प्लस टू, आई की बात करेंगे तो माइनस थ्री, पी की बात करेंगे तो प्लस फोर, एल की बात करेंगे तो माइनस फाइव, और ई की बात करेंगे तो प्लस सिक्स। देखिए कैसे टी, ये क्वेश्चन आपको जाके काफी इजी क्वेश्चन मिला कुछ प्रश्नों के बाद। तो यहां पे अगर आप प्लेस वैल्यू आपको याद हो गई है तो इस क्वेश्चन को आप ओरली बना सकते थे और बिल्कुल बना सकते थे, काफी आसान सा क्वेश्चन है। देखो प्लेस वैल्यू 20, 18, 9, 16, 12, 5, 11, 7, 20, 6, 20, 19, क्लियर। यहां पे देखो तो क्या हो रहा है, माइनस वन, फिर क्या हो रहा है प्लस टू, फिर क्या हो रहा है माइनस थ्री, फिर क्या हो रहा है प्लस फोर, फिर माइनस फाइव और फिर प्लस सिक्स, यानी कि अल्टरनेट आपके प्लस माइनस हो रहे हैं और नंबर आपके इंक्रीजिंग ऑर्डर में 1, 2, 3, 4, 5, 6। पूछा किसके लिए है कोड, पूछा है मिरर के लिए। सबसे पहले क्या था, माइनस था, तो एम में क्या करोगे माइनस वन, आई में क्या करोगे प्लस वन, प्लस टू, आर में क्या करोगे माइनस थ्री, फिर आर में क्या करोगे प्लस फोर। इस तरीके से आपको क्या करना है, कोड फाइंड करना है। चलो तो एम में माइनस वन करोगे तो क्या मिलेगा, एल मिलेगा, यानी कि दो ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे कैंसिल। फिर क्या करना है आपको, आई में क्या करोगे प्लस टू करोगे तो के मिलेगा, दोनों ऑप्शन में दिया है। आर में माइनस थ्री करोगे तो क्या मिलेगा, ओ मिलेगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका सही विकल्प हो जाएगा दिए गए प्रश्न के लिए। आगे की बात करें तो R प्लस फोर करोगे तो V, O माइनस फाइव करोगे तो J और R प्लस सिक्स करोगे तो X, क्लियर। चलिए तो ये तो हो गई आपकी बात किसकी, अल्फाबेटिकल यानी कि हम कोडिंग की अगर बात करें। अब इसके बाद हम यहां पे बात कर लेते हैं सेल्फ कोडिंग की। सेल्फ कोडिंग को हम लोग यहां पे समझने का प्रयास करेंगे। अच्छा, इस पर बेस्ड आपको वर्कशीट प्रोवाइड करा दी जाएगी, आपके पास जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वहां से भी आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और जो भी डाउट होगा आप लोग उसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे सेल्फ कोडिंग। चलिए तो बात करेंगे हम लोग यहाँ पे सेल्फ कोडिंग की। चलिए सेल्फ कोडिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, काफी आसान से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं लेकिन कई बार काफी कॉम्प्लिकेटेड वे में भी यहाँ पे क्वेश्चंस को पूछ लिया जाता है, तो हम यहाँ पे हर एक प्रकार के प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे जिससे कि हम क्या कर सकें, प्रश्नों को ठीक ठीक सॉल्व करके सही उत्तर दे पाए। तो जैसे कि हम मान लेते हैं इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ग्लोब इज रिटन एज, यानी कि हमने कहा किसी कूट भाषा में ग्लोब को लिखा जाता है ई बी ओ एल जी, देन व्हाट विल बी द कोड फॉर शूज। हमने कहा व्हाट विल बी द कोड फॉर शूज इन द सेम कोड लैंग्वेज। तो ध्यान दीजिए, ऐसे प्रश्नों में आपके जितने भी यहां पर लेटर्स या एलिमेंट्स यूज हुए हैं उन्हीं लेटर्स या एलिमेंट्स के केवल क्या होता है, सीक्वेंस में कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिलता है और उन्हीं लेटर्स का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, एक कोड फॉर्म करते हैं। और सेम लॉजिक लगाते हुए हमें क्या करना होता है, गिवन वर्ड्स के लेटर्स को अरेंज करना होता है। तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जिसने यहाँ पे लॉजिक ना डिटेक्ट किया हो। जैसा कि आप देख पा रहे हैं लास्ट को हमने क्या लिख दिया, फर्स्ट लेटर लिख दिया, सेकंड लास्ट को हमने सेकंड लिख दिया, थर्ड वाले को थर्ड लिख दिया, और जो यहाँ पे सेकंड था वो सेकंड लास्ट हो गया और जो फर्स्ट था वो क्या हो गया, लास्ट हो गया। यानी कि केवल और केवल इनके हम लोगों ने क्या किया है, ऑर्डर में चेंजेस किए हैं
और हमें इसका कोड प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे तो लॉजिक हमें समझ में आ गया, लेकिन मान लीजिए हम अगर इसी क्वेश्चन को इस प्रकार पूछते, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ग्लोब इज रिटन एज ई ओ बी जी एल बी जी एल, तो लॉजिक क्या होता, या इसी को हम लिखते ओ ई बी जी एल, तो लॉजिक क्या होता, या हम लिखते ई ओ एल जी बी, तो लॉजिक क्या होता, या इसी को हम लिखते बी ई जी एल ओ, तो लॉजिक क्या होता, या हम बात करेंगे ओ एल जी ई बी की, तो लॉजिक क्या होता, इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। यानी कि बेसिकली अगर देखें, जब आप इसके पोजीशन में चेंज करते हैं, जैसा कि ई बी ओ एल जी, या इसी प्रकार से कुछ और हम इसको ऐसे लिख सकते थे एल जी ओ ई बी, तो आप देखोगे यहाँ पे ये क्या कर रहा है, एक पैटर्न बना रहा है। यहाँ पे आप देखोगे ये क्या कर रहा है, एक पैटर्न बना रहा है। इस प्रकार से यहाँ पे आपको पैटर्न्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब पैटर्न के अलावा आपको यहाँ पे कुछ लॉजिक लगा करके क्वेश्चन दिया जाएगा, तो थोड़ा सा वो आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को भी हम लोग आसानी से सॉल्व करने वाले हैं, यहाँ पे भी हम लोग कुछ लॉजिक्स को समझने वाले हैं। इसको मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ और लॉजिक्स को हम लोग यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, सबसे पहले अगर हम बात करें, यदि अगर हम ग्लोब को इस प्रकार से लिखते हैं तो ध्यान दीजिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वोवेल और कॉन्सोनेंट के लॉजिक को फॉलो कर रहे हैं। वोवेल्स को हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि ई क्या है आपका यहाँ पे, वोवेल की अगर हम बात करें तो दो वोवेल है ई और ओ। सबसे पहले क्या लगा दिया हमने, ई, यानी कि ई की प्लेस वैल्यू क्या है, छोटी है कंपेरिजन टू ओ। ठीक है, फिर ओ को लिख दिया, देन उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, कॉन्सोनेंट को भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया, यानी कि बी जी एल आपके बचे हुए तीन कॉन्सोनेंट है, तो उनको भी हम लोगों ने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया। यानी कि पहले वोवेल्स को रखना है, फिर कॉन्सोनेंट्स को रखना है। इसी में आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता था कि पहले कॉन्सोनेंट को रख देता और फिर बाद में आपके वोवेल्स को रखता, तो इसका सीक्वेंस चेंज करके भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता था। फिर अगर हम यहां पे बात करें तो देखिए, वोवेल्स को क्या किया है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखा, और कॉन्सोनेंट्स को क्या किया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। यानी कि वोवेल्स को हमने क्या किया है, घटते हुए क्रम में, और कॉन्सोनेंट्स को हमने क्या किया है, बढ़ते हुए क्रम में यहां पे अरेंज किया हुआ है। फिर अगर हम बात करें यहां पे, तो वोवेल्स को हम लोगों ने बढ़ते हुए क्रम में और कॉन्सोनेंट्स को हम लोगों ने घटते हुए क्रम में अरेंज किया है यहां पे, तो ये तो हो गया था आपका। इसमें हम लोगों ने क्या किया था, केवल और केवल सीक्वेंस में चेंज किया था। आ जाते हैं इस वाले में, यहां पे लॉजिक क्या लगा हुआ है, यहां पे तो आपको वोवेल और कॉन्सोनेंट एक साथ नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन यहां पे अगर आप ध्यान दीजिए तो लेटर्स को उनकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या किया है, बढ़ते हुए क्रम में अरेंज किया है। और अगर हम लास्ट वन की बात करें तो लेटर्स को हमने क्या किया है, उनके प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग घटते हुए क्रम में अरेंज किया है। तो पोजीशन के अलावा आपसे कई बार इस प्रकार के वेरियस लॉजिक्स के साथ में भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो उसके लिए भी आपको क्या रहना है, प्रिपेयर रहना है। ठीक है, चलिए सीधे हम आते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस पे। यानी कि यहाँ पे हम बात करें बिलीफ की, तो ई और आई, लेकिन ई यहाँ पे आप देखेंगे तो ई कितनी बार आया है, ई दो बार आया है। तो सबसे पहले तो क्या हो जाएगा, दो बार ई आएगा और एक बार आई आएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। उसके बाद बचे आपके कॉन्सोनेंट्स, तो कॉन्सोनेंट्स बी एफ और एल इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, आपका सही विकल्प हो जाएगा दिए गए प्रश्न के लिए। चलिए बात करें अगर हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की, तो बोला है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज मालवेयर इज रिटन एज ई आर ए डब्ल्यू एल ए एम। अगर यहाँ पे आप क्लियरली देखें तो ई आपको लास्ट एलिमेंट था, जो कि यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट दिखाई दे रहा है, फिर आर आपका सेकंड लास्ट एलिमेंट था, जो कि आपको सेकंड एलिमेंट दिखाई दे रहा है, ए आपका थर्ड लास्ट एलिमेंट था, तो थर्ड, यानी कि हमने क्या किया है, इसके केवल सीक्वेंस को चेंज कर दिया, इसके ऑर्डर को हम लोगों ने क्या कर दिया है, परिवर्तित कर दिया है। और पूछा किसके लिए कोड है आपसे, मॉडर्न के लिए पूछा है, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, मॉडर्न का जो लेटर्स का सीक्वेंस है उसको हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन की बात करें तो रिवर्स ऑर्डर में मॉडर्न की आप स्पेलिंग किसी में भी पढ़ सकते हैं, जहाँ पे सही स्पेलिंग आपको मिलेगी वही आपका क्या होगा,
सही विकल्प होगा M O D E R N, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में आप क्लियरली देख सकते हैं मॉडर्न के लेटर्स को रिवर्स ऑर्डर में अरेंज करके लिखा गया है। बात कर लेते हैं हम लोग यहां पे अगले क्वेश्चन की। अगले यदि मैं यहां पे प्रश्न की बात करूं, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज इकोसिस्टम इज रिटन एज सी डबल ई, यानी कि यहां पे देखिए सी डबल ई एम ओ एस एस टी वाई, अगर आपके दिमाग में अभी तक प्लेस वैल्यू आ चुकी है तो क्लियरली आप देख सकते हो इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पे आपके लेटर्स को अरेंज किया गया है। पूछा किसके लिए कोड गया है, ज्योग्राफी के लिए गया है, कोड पूछा गया है, तो इसको अरेंज मत करने लगना भाई, सीधे जाना ऑप्शन में, जहां पे भी आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेटर्स दिखाई दे वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे ए के बाद जी फिर ई, कैंसिल, क्यों, क्योंकि जी की प्लेस वैल्यू ई से क्या होती है, ज्यादा होती है। ए ई जी जी एच ओ पी आर वाई, यानी यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख के कैंसिल मार सकते थे, ओ की प्लेस वैल्यू एच से ज्यादा होती है, यहाँ पे पी की प्लेस वैल्यू ओ से ज्यादा होती है, क्लियर। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे अगले क्वेश्चन की। अगले यदि मैं यहाँ पे क्वेश्चन की बात करूं तो पूछा गया है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ग्रैंड इज रिटन एज टी एन ए आर जी, यानी कि हम ग्रैंड को क्या लिखते हैं, टी एन ए आर जी, देन व्हाट विल बी द कोड फॉर अलाउ इन द सेम कोड लैंग्वेज। तो सिंपली आप देख सकते हैं टी एन ए आर जी आपको क्या किया गया है, रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया है, क्लियर। चलिए तो बात करें अगर यहां पे पूछा किसके लिए गया, अलाउ के लिए पूछा गया है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ओ डबल एल ए, डब्ल्यू ओ डबल एल ए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। मार्कर, मार्कर की अगर हम बात करें तो कोड दिया गया है के ई आर और एम ए आर, यानी कि अगर हम सिंपली देखें तो एम ए आर को क्या करो, इसके आगे उठा के लगा दो, हो गया, ठीक है। तो यहां पे पूछा किसके लिए कोड गया है, गार्डन के लिए पूछा गया है, तो जी ए आर को हम क्या करेंगे, डी ई एन के बाद अरेंज कर देंगे, तो डी ई एन जी ए आर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चलिए बात करेंगे हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की। पूछा किसके लिए गया है, प्लग के लिए, दो वॉवेल्स आपको दिखाई दे रहे हैं और उसके बाद में आपको कॉन्सोनेंट्स अरेंज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वॉवेल्स की अगर हम बात करें तो 21 5 और कॉन्सोनेंट्स की बात करें तो 7 12 16, यानी कि वॉवेल्स आपके क्या हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और कॉन्सोनेंट्स क्या हैं आपके, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो कोड किसके लिए पूछा गया है, स्विच के लिए पूछा गया है। अच्छा, स्विच में अगर हम बात करें वॉवेल्स की तो केवल और केवल आपका एक ही वॉवेल है, यानी कि इसके बाद जो भी होगा वो क्या हो जाएगा, आपका कॉन्सोनेंट हो जाएगा, और कॉन्सोनेंट की बात करें हम तो एस टी डब्ल्यू, यानी कि आई के बाद सी एच एस टी डब्ल्यू, सी एच एस टी डब्ल्यू, ऑप्शन नंबर सी, क्लियर। चलिए ये तो हुई बात सेल्फ कोडिंग की, अब इसके बाद हम लोग यहां से देखेंगे नंबर पर आधारित कोडिंग, ठीक है ना। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे और अगली क्लास में हम लोग सीखेंगे नंबर पर आधारित कोडिंग, जहां पे आप कुछ नए और वेरियस लॉजिक्स के साथ में इंट्रोड्यूस होंगे, और अभी तक के जो भी आपने प्रश्न बनाए हैं इस पर आधारित जो भी आपके पास रिसोर्सेज या जो भी यहाँ से आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड कराए जाते हैं उससे आप लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। जो भी आपको समस्याएं आती हैं या जो भी आपके डाउट्स होते हैं उसको आप लोग क्या करेंगे, YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो भी टेलीग्राम का लिंक दिया गया है वहां पे जाकर के आपको क्या करना है, चैनल को ज्वाइन करना है। एक आपका वहां पे चैनल का लिंक है और एक आपके ग्रुप का लिंक है। चैनल के लिंक पे आपको क्या करा जाएगा, जो भी स्टडी मटेरियल है वो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, और अगर हम बात करें ग्रुप की तो ग्रुप में आप क्या कर सकते हैं, अपने डाउट्स को डिस्कस कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।